जब संविधान बन रहा था तब इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, यानी संविधान की नजर में सभी समान हो। इसमें लैंगिक समानता भी शामिल है। संविधान सभा में लैंगिक समानता की बात पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया था हंसा मेहता ने। हंसा जीवराज मेहता भारत की एक सुधारवादी, नारीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका थीं। इनका जन्म 3 जुलाई 1897 को बॉम्बे राज्य यानी मौजूदा गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम मनुभाई मेहता था, जो तत्कालीन बड़ौदा राज्य के दीवान थे। हंसा ने साल 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक किया, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। उनकी शादी प्रख्यात चिकित्सक और प्रशासक जीवराज नारायण मेहता से हुई थी। साल 1918 में वे सरोजनी नायडू से और 1922 में महात्मा गांधी से मिली और इन लोगों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता सेनानी बन गईं। 1 मई 1930 को हंसा ने गांधी जी के कहने पर देश सेविका संघ की अगुवाई में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे हंसा के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं और वो बॉम्बे कांग्रेस समिति की प्रमुख बन गईं। इस सत्याग्रह आंदोलन को चलाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया। बाद में वो बॉम्बे विधान परिषद से प्रतिनिधि चुनी गई। संविधान सभा के गठन के दौरान उनका नाम भी उन 15 महिलाओं में शामिल हुआ जो इस सभा की सदस्य बनी। हंसा सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उपसमिति की सदस्य थीं। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। वे समान नागरिक संहिता की भी समर्थक थी, जो तमाम वजहों के चलते आज भी लागू नहीं हो सका है। साल 1946 में हंसा ने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर एकल उपसमिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 1 में संशोधन करवाया। इस आर्टिकल में लिखा था कि ऑल मेन आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री। हंसा ने इसमें संशोधन करवाते हुए ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री करवाया था, यानी मेन के स्थान पर इन्होंने ह्यूमन करने का सलाह दिया। इससे वे ये साबित करना चाहती थीं कि अधिकार केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी हैं, क्योंकि वे भी उतनी ही मानव हैं जितने कि पुरुष। बाद में 1950 में हंसा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष बनी। वे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी थीं। हंसा मेहता ही वो पहली शख्सियत है जिन्होंने आज़ाद भारत की महिलाओं की तरफ से देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। वही तिरंगा झंडा रात के 12 बजे फहराया गया। हंसा को 1949 में नए बने बड़ौदा विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया। इस तरह वे भारत के किसी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा के साथ साथ हंसा एक बेहतरीन लेखिका भी थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 15 किताबें लिखीं। देश के लिए अतुल्य योगदान देने के लिए उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1964 में वे भारत की हाई कमिश्नर बनकर लंदन गई। अंत में देश के लिए अपना फर्ज निभाते हुए 4 अप्रैल 1995 को संविधान निर्माण की इस नायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया।